ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब लोग चार प्रकार की भावना से भगवान के पास आते हैं। कुछ लोग हम में से बहुत दुखी थे जीवन में, तो अपने दुख का उतारा ढूंढने के लिए भक्ति में आए। कुछ लोग धन की प्राप्ति से, ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा से भक्ति में आए, तो भगवान का भजन करेंगे तो समृद्धि बढ़ेगी। कुछ लोग जिज्ञासावश आए और कुछ बहुत कम लोग हमारे में से भगवान को ढूंढते ढूंढते आए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। और भगवान भी गीता में कहते हैं कि जो मुझे ढूंढते हुए ज्ञान के आधार पर आते हैं तो मुझे अति प्रिय होते हैं। और जो व्यक्ति दुखी होकर भगवान के पास आता है, दुख का निवारण चाहता है, उसका दुख का निवारण होता भी है, भगवान उसका दुख का निवारण करते भी है। जो धन की लालसा से आता है उसको भी धन की प्राप्ति भगवान देते हैं। जो जिज्ञासा से आता है उसकी जिज्ञासा भी पूर्ण कर देते हैं। लेकिन वहीं पर हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का अंत नहीं होता है, या नहीं होना चाहिए, कि जब तक दुख का निवारण होता रहे अच्छा है। ऐसा भक्ति मार्ग, धन की प्राप्ति होती रहे, हमारा भक्ति मार्ग बहुत अच्छा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब से हम भक्ति में आए सब अच्छा हो रहा है, बच्चों का एडमिशन हो गया, हम छोटे फ्लैट से बड़े फ्लैट में गए, हमारे पास कार नहीं थी तो कार आ गया, सब भगवान की कृपा है, भगवान सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। और जो दुखी थे वो कह रहे थे हम कितने परेशान थे, अभी हमारे जीवन में कुछ दुख नहीं है, सब अच्छी तरह चल रहा है। ये सोचना अधिकतर हमारे सूक्ष्म चेतना में ये बातें चलती रहती हैं कि भी हम भक्ति में है, इतना जप कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, मांस नहीं खाते हैं, तो हमारे घर में बच्चों को अच्छा एडमिशन मिलना चाहिए, हमारी समृद्धि होनी चाहिए, हमारे बच्चे विदेश जाने चाहिए, हमें विदेश जाने का मौका मिलना चाहिए। ये हमारे भक्ति जीवन में आने वाली बहुत बड़ी, क्या कहते हैं उसको, भूलभुलैया है, एक प्रकार का भ्रम है। अगर हम इन्हीं विचारों को अपने मन में रखते हैं कि समृद्धि होनी चाहिए, हमारी समृद्धि हमारे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का लक्षण है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। इसको कहते हैं झूठी निष्ठा। ये निष्ठा कि मैं कृष्ण में भावना में हूं, जप कर रहा हूं, इसलिए मेरा विकास हो रहा है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि कृष्ण भावना में है, इसका वास्तविक परिणाम क्या होता है और क्या होना चाहिए और क्या हमें चाहना चाहिए। कृष्ण भावना में होने का वास्तविक परिणाम है कि हम ये सूक्ष्म रूप से हृदय के अंदर के कोने में समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इस भावना में प्रगति, यही हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का लक्षण है। और मैं भगवान का दास हूँ और भगवान के भक्तों की, भगवान की सेवा करना ही मेरे जीवन का मूलभूत धर्म है, ये अनुभूति प्राप्त होना, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसलिए कभी भी हमें इन समृद्धि की बातों पर भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि समृद्धि हमारा जो देहात्म भाव है उसको बढ़ाती है। अगर मुझे इंद्रिय भोग की व्यवस्थाएं बढ़ रही है, मेरे जीवन में बहुत सुविधा बढ़ रही है, ऐश्वर्य बढ़ रहा है, तो उससे मेरी भक्ति नहीं बढ़ती है। क्या बढ़ता है कि मेरे शरीर के लिए, भोग के लिए, मेरे मन के लिए भगवान ने कितने साधन दिए हैं, ये एंजॉय करना मेरा भाग्य है, ये मुझे मिल रहा है। तो अगर हमारे मन में ये विचार चल रहे हैं तो हमारे मन का विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, क्या क्या हमारे जीवन में समृद्धि, शांति, स्थिरता आ रही है और उसका हम श्रेय भगवान को दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि हमारे जीवन में समृद्धि, हमारे जीवन में दुखों का निवारण भगवान तो करते ही हैं, लेकिन वो हमारे अधिकतर कर्मों के कारण होता है। हमारे कर्म आते हैं तो दुख होता है, हमारे बुरे कर्म आते हैं दुख होता है, हमारे अच्छे कर्म आते हैं समृद्धि आ जाती है। तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये भगवान की वजह से हो रहा है। भगवान की कृपा का एक ही लक्षण है, एक ही प्रमाण है कि हम कितने भौतिक इंद्रिय भोग से विरक्त हो रहे हैं, कितना हमें ये लग रहा है कि ये विश्व का जीवन झूठ है, ये सब निरर्थक है। इस भौतिक जीवन की निरर्थकता का साक्षात्कार, ये हमारी भक्ति का, प्रगति का लक्षण हो सकता है। इसलिए हम सबको विचार करना चाहिए और सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि समृद्धि को, भगवान के भक्ति का परिणाम हम न समझें और भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति प्रेम, भक्तों की सेवा के प्रति प्रेम, इंद्रिय भोग की वस्तुओं से विरक्ति, इन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करें। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमको अभी लग रहा है कि समृद्धि हमारे भगवान की भक्ति का लक्षण है, परिणाम है, तो एक समय आएगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे हमने इतनी समृद्धि प्राप्त की, इतना धन प्राप्त किया, बच्चे हमारे विदेश गए, लेकिन अभी कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है, ना समृद्धि मदद कर पा रही है, ना हमारे बच्चे जो विदेश गए वो आ पा रहे हैं, हम शरीर में इतना कष्ट भोग रहे हैं, मृत्यु हमारे सामने खड़ी है। तो जिस चीज पर हम भगवान की भक्ति का परिणाम, इस बात पर गर्व कर रहे थे, वही हमारे दुख का कारण बनता है। लेकिन अभी समय पर जब समृद्धि भी आ रही है, तभी हम अगर इस विरक्ति को प्राप्त करते हैं कि हम शरीर नहीं है, ये जो भी कुछ हो रहा है, धन संपत्ति आ रही है, ऐश्वर्य आ रहा है, कीर्ति आ रही है, ये सब भ्रम है, ये सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है, सत्य नहीं है ये। तो बुढ़ापे में, मृत्यु के समय, ये सब कुछ खोने पर भी हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि बहुत पहले से हमने ये अनुभूतियां प्राप्त कर ली है, क्योंकि हम पहले से जानते थे कि आज समृद्धि है तो कल नहीं होगी, आज पैसा है तो कल नहीं होगा, आज अगर इंद्रिय भोग के साधन है तो वो कल इंद्रिय भोग के साधन होने पर भी इंद्रिय भोग नहीं कर पाएंगे, शरीर साथ नहीं देगा, मृत्यु की ओर जाएगा। तो इसलिए जप करते समय, साधना करते समय हम सब लोगों को इसी की अपेक्षा करनी चाहिए। हाँ, दुखों का निवारण हो रहा है, अच्छा है, समृद्धि आ रही, अच्छा है, लेकिन मैं इसके लिए जप नहीं कर रहा हूं, मुझे आपकी प्राप्ति करनी है, मुझे विश्व से विरक्ति प्राप्त करनी है, मुझे आपसे प्रेम करना है, हे भगवान। इस प्रकार की भावना से हमें जप करना चाहिए, तब भी हम समृद्धि में भी खुश रहेंगे और समृद्धि नष्ट हो जाएगी, राजा का रंक बन जाएगा, तभी भी हम खुश रहेंगे, विचलित नहीं होंगे। तो हम खुद को भ्रमित न करें, खुद को न फंसाएं। लेट अस नॉट चीट आवरसेल्फ, लेट अस बी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रूथफुल रियलाइजेशन। सत्य के विषय में हमें अनुभूति हो, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए और इसी भाव से हमें जप करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी।